तेज प्रताप यादव के दरभंगा डीएमसी दौरा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, बयानबाजियां बढ़ने लगी है, आपस में सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी और बीजेपी के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हमारे साथ दरभंगा के नगर विधायक बीजेपी के हैं संजय सराफगी, उन्हीं से बात करते हैं। आखिर तेज प्रताप के यहाँ दरभंगा आने से क्या परेशानियां बढ़ गई है बीजेपी की, आखिर क्यों सवाल इतने उठ रहे हैं कि तेज प्रताप का यहाँ आना कहीं से भी उचित नहीं है, क्या बताइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गतिविधियां बढ़ गई है। तेज प्रताप जी को लोग गंभीरता से लेता ही नहीं है, और हम क्या, उनकी पार्टी और उनका परिवार भी उनको गंभीरता से नहीं लेता है। और जिस प्रकार आए, यहाँ भीड़ इकट्ठा किए हैं, कोरोना का गाइडलाइन का वायलेशन हुआ है, सैकड़ों लोग को जुटा के जिस तरह यहाँ नाटक नौटंकी कर रहे थे, ये बात तो कहीं से खत्म नहीं। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, पदाधिकारी को कार्रवाई करना चाहिए था। जिस तरह भीड़ जुटा के यहाँ नाटक नौटंकी कर रहे हैं, जितना दिन वो 2 साल के आसपास स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक दिन भी दरभंगा नहीं आए। और बोलते हम रात में घूमते थे, रात में क्या क्या करते थे, वो उनका ड्राइवर और उनका बॉडीगार्ड बताएगा क्या करते थे वो रात में। और एक दिन भी, जितने दिन वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनको डीएमसीएच की सुधि लेने की नहीं, एक दिन नहीं आए। दरभंगा से कोई मतलब नहीं, और अभी कोई काम नहीं है, ये लोग बेरोजगार हो रखे हैं। तो दरभंगा में आके कोरोना गाइडलाइन का वायलेशन करके फोटो खिंचवा रहे थे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्या करें, संज्ञान लेने का मतलब क्या, उन पर कोई कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से जिस प्रकार से वहां भीड़ इकट्ठा उन्होंने किया है, अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाकर जिस तरह वहां किया है, अगर मतलब एकदम गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन का 100% वायलेशन है, इसे तो जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी कल ही, अभी भी लेट है, कार्रवाई करनी चाहिए। सारा वीडियो फुटेज है, सारा आप लोग का सब वहां जाके न्यूज इकट्ठा किए, जिस तरह के रोड जाम करके नाटक नौटंकी करना, ये तो बात सही नहीं है। आज वो डीएमसीएच की सुधि ले रहे हैं, और जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक बार भी झांकने आए थे क्या डीएमसीएच? एक बार भी सुधि लिए थे आके डीएमसीएच? और अभी आके सड़क पर आके फुट जाते कोरोना वार्ड में, जाके देखते कितनी अच्छी व्यवस्था है, कैसे वहाँ आईसीयू चल रहा है, बीपैप मशीन लगा हुआ है। कोरोना वार्ड में तो गए नहीं, मेन रोड पर फोटो खिंचवा के आप कोरोना आईसीयू वार्ड तक गए थे? नहीं, अंदर में नहीं गए थे, क्या गए थे, रोड पर गए, वहाँ फोटो खिंचा, जाके घूमना चाहिए था, देखना चाहिए था। अब पूर्व मंत्री है, उस नाते भी देखना चाहिए था जाके, जब मंत्री थे तो एक दिन नहीं आए वो दरभंगा। और उनको गंभीरता से कोई नहीं लेता है, उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती है, निश्चित रूप से होना चाहिए। जिस तरह से वो कोरोना का गाइडलाइन का वायलेशन कला के दरभंगा में किए हैं, इतना भीड़ इकट्ठा करके, वो सरकार ने गाइडलाइन दिया, जिला प्रशासन का गाइडलाइन एक एक आम नागरिक मान रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं, और वहां आके कोरोना के गाइडलाइन का वायलेशन करना निश्चित रूप से कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने सवाल भी खड़े किए कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि कोई भी मंत्री जिले में नहीं जाएगा, और स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं निकल रहे हैं बाहर कहीं ना कहीं, उन्होंने वो जब जनता के बीच आ रहे हैं तो ये तो एक तरह से देखा जाए कि जनता का सुध लेने आ रहे हैं। इसमें क्या है? खुद मंत्री को आना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए कि क्या है, तो आप लोग नाराज है। एक तो खुद आप लोग नहीं जा रहे हैं, आरजेडी के लोग जा रहे हैं तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कहां जाए जनता, कहां जाए? नहीं, अरे आप कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री काम नहीं कर रहे, पूरे देश में बिहार में जो कोरोना का परसेंटेज है, जो वो टॉप 5 में बिहार है। महाराष्ट्र की हालत देखिए ना, 95,000 से बेसी लोग मरे, और आबादी लगभग बराबर है, 1 करोड़ के लगभग में डिफरेंस है। और बिहार में क्या है, बिहार में कल नया आंकड़ा आया, 9,000 के आसपास जो है बिहार में लोगों का देहांत हुआ। बड़े बड़े राज्य जो शक्तिशाली राज्य, आर्थिक रूप से संपन्न राज्य है, उन राज्यों की स्थिति आप बिहार से मिलाइए, और जिस तरह यहाँ प्रत्येक तरह की दवाई उपलब्ध हुई, जिस तरह की शुरू में थोड़ी समस्या हुई लेकिन उसके बाद सारी सुविधाएं हुई, सारे लोगों को, इतने कम, इतने मतलब घनी आबादी वाला हमारा बिहार, और उसके बाद भी यहाँ पॉजिटिव रेट बहुत कम, और अभी 98% है अभी जो देश में जो है, पूरे विश्व में भारत का 264-265 जो है डेथ रेशियो है 10 लाख की आबादी पर। अमेरिका वगैरह देखिएगा, बड़े बड़े देश जो कहते थे हम बहुत बड़े स्वास्थ्य में हैं, वहाँ कहीं 2600 है, कहीं 2200 है 10 लाख के आबादी पर जो है डेथ रेशियो, और बिहार लगभग 50-55-52 है। मतलब इस अनुपात में जो है बिहार में सरकार ने सुधीली, स्वास्थ्य मंत्री जो है 24 घंटा बैठ के मतलब अस्पताल में आके देखा जाता है क्या?
लेकिन विधायक जी ये सवाल ये भी उठता है कि आखिर अचानक आंकड़ा बढ़ कैसे गया। अब ये आरोप भी आ रहा है आरजेडी और कांग्रेस ने तो साफ कहा कि आंकड़ा छिपाया गया था मौत का, 3000 से ज्यादा, 3500 से ज्यादा। उसकी जांच होगी, सरकार ने भी कहा है और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने भी, छिपाया गया था आंकड़ा ये मानते हैं। उससे कहीं कोई गलती हुई है इसमें, मानना नहीं मानने का क्या सवाल है। जब लोगों ने आवेदन देना चालू किया जिनका देहांत हुआ पॉजिटिव रेशियो में, बिहार एकमात्र राज्य है जो जिनके कोरोना से डेथ हुई उसको 4 लाख रुपया जो है उनको भुगतान किया जा रहा है, उनके आश्रितों को। तो जब आश्रित के भुगतान की जो है जांच हुई तो उसमें जो है गलती पाई गई है 4000 के आसपास जो है, और उसके लिए सरकार ने कहा जांच करेंगे। हम लोग दूसरे कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, हम लोग दूसरे तरफ चले गए हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव की बात करेंगे, तेज प्रताप यादव ने जो विजिट किया उसमें जो गंदगी दिखी, जल जमाव दिखा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो डेंगू बीमारी है वो दरभंगा डीएमसीएच से ही फैलता है। आप क्या कहेंगे? यही बात बोलेंगे, वो मिथिला में आके मिथिला का अपमान करके गए, दरभंगा में आके दरभंगा का अपमान, दरभंगा से डेंगू फैलता है। पूरे 5 साल में देख लें दरभंगा का या मिथिला का डेंगू की का पॉजिटिव रेशियो क्या है, और बाकी जगह देखें। ये दरभंगा और मिथिला का अपमान है, आके कहते हैं दरभंगा में से डेंगू फैलता है, डीएमसीएच से डेंगू फैलता है। इस बार सरकारी स्वास्थ्य में जो आम जनता का रुझान बढ़ा, इस एक साल में आप देखिएगा कि जो कोरोना के समय जो है कोविड-19 के समय लोग स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में ही जा रहे थे, हजारों की संख्या में डीएमसीएच से लोग स्वस्थ होकर निकले हैं, जो पॉजिटिव मरीज थे निगेटिव होकर निकले हैं। और उसके बाद भी ये बोला ये सही नहीं, ठीक है कुछ कमियां हैं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं यहां का विधायक हूं, कमियां हैं जो जल जमाव, नहीं नहीं मैं आ रहा हूं जल जमाव है, लेकिन परसों तरसों बहुत भयानक बारिश हुई 2-3 दिन में, लेकिन जल जमाव है। लेकिन जब बारिश होती है तो पानी निकल भी जा रहा है वो ठीक है, और जो कूड़ा है उसके लिए हम लोगों ने लगातार कहा है, डीएमसीएच प्रबंधक को भी कहा है कि उसको जो है कूड़ा का तुरंत निस्तारण कराइए, मेडिकल वेस्ट उसमें बहुत ज्यादा है, और मेडिकल वेस्ट के लिए निस्तारण के लिए डीएमसीएच ने आउटसोर्स कर रखा है। नगर आयुक्त को भी कहा है, वो निश्चित रूप से कूड़ा उसको हटना चाहिए, जल जमाव की समस्या का निदान होना चाहिए, उसमें लगे हुए भी हैं हम लोग। डीएमसीएच से छपरार घाट जो है भू अधिग्रहण के लिए 10.5 करोड़ रुपया मेरे ही पहल पर जो है सरकार ने जिला पदाधिकारी को दिया है, और वो छपरार घाट में भू अधिग्रहण करके नाला बन जाएगा तो डीएमसीएच से जो है जल जमाव डीएमसीएच मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस सरकार ने, भारत सरकार ने एम्स दिया है, नीतीश कुमार जी के बिहार सरकार के अनुशंसा पर एम्स दिया है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है, उसके बारे में भी उनको बोलना चाहिए था। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जितने दिन ये स्वास्थ्य मंत्री रहे, मिथिला बड़ा क्षेत्र है, दरभंगा बड़ा पुराना कमिश्नरी जब 5 था तो दरभंगा जो है कमिश्नरी था, एक बार भी ये आए दरभंगा सुधी लेने के लिए? आज क्यों आए, क्या लगता है आखिर क्या? मैंने तो शुरू में ही बोला छपने छपाने के लिए जो है, इन लोग की दुकानदारी बंद हो चुकी है, आप लोग के माध्यम से कोई दुकानदारी चले इसके लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे थे वो, और इनको गंभीरता से कोई नहीं लेता, इनकी पार्टी इनका परिवार जिस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता है उसको आम जनता और शासन क्या गंभीरता से लेगा। तो ये थे नगर विधायक संजय सरावी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि माना ये कि हाँ डीएमसीएच में कुछ कमियां हैं, जल जमाव की समस्या है, लेकिन तेज प्रताप का आना कहीं से भी बीजेपी को रास नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि आगे कितनी और ज्यादा बयानबाजियां आरजेडी और बीजेपी के बीच होने वाली है। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।